अशोक जी बताइए कैसे क्या घटना हुई है और प्रशासन की क्या भूमिका है। एक्चुअली मेरा जो वाहन था जो प्रचार की सामग्री लेके प्रचार कर रहा था वो 12 बजे के पहले उसके साथ कुछ हादसा हुआ, 12 के बाद मुझे पता चला। और जब मुझे पता चला तो मैंने वहाँ जाके जगह पे देखा कि मेरे जो वाहन है उसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा गया है और इस तरह से पीटा गया कि वो बेचारा रो रहा था। और फिर मैंने उसको आश्वासन दिया, पुलिस भी आ गई तो मैंने आश्वासन दिया कि जो तुम्हारा क्षतिग्रस्त है उसको मैं दूंगा। वो कह रहा था कि हमें आए और प्रचार के लिए रोक रहे थे और मैं गाना बंद नहीं किया, जो भी उसके साथ हुआ रहेगा। तो उन्होंने उसको मारना पीटना चालू किया, सारे बैनर फाटे, हमारे प्रचार सामग्री को उठा के फेंकने का था। आपके आपने अधिकारियों को बताया, पुलिस प्रशासन? जी, मैं DM को सूचना कर दिया, कप्तान को सूचना कर दिया, भेज दिया और मैंने FIR करवाया, FIR भी हो गई है, उसकी कापी सबको प्रोवाइड कर दिया हूँ मैं। तो ये अभी क्या लगता है कौन करवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी कल भी मेरे से उलझी थी लेकिन उसकी FIR नहीं करवाया, कल भी उलझी थी और आज उसने इस तरह से हादसा कर दिया। कल एक प्रोग्राम था राष्ट्रीय सहारा का तो उसमें मैं था वहाँ पे, तो कुछ मेरे से मुझे घेराव करने की कोशिश की तो मेरा गनर और मेरे लोगों ने मुझे गाड़ी में बंद करके वहाँ से लेके गए। आक्षेप मांग है कि निष्पक्ष चुनाव कराएं और जो हमको रोकने का प्रयास कर रहे थे, अभी तो चुनाव खत्म हो गया, निष्पक्ष चुनाव कराएं, हमारे ऊपर कोई हादसा ना हो, हमें सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जिससे कि मैं जिंदा रह सकूं। और लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं और 25 तारीख को चुनाव हो तब भी कोशिश करेंगे मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, मेरे जानों को खतरा है, बस यही इसे कहता हूँ और अपील करता हूँ जनता से कि 25 तारीख को इसका कड़ा से कड़ा जवाब दे। गन्ना चौथे नंबर पे गन्ना किसान के सामने का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब मिले और गन्ना किसान को जिताने का काम करें।